नमस्कार दर्शकों, लोक कला और जनजातीय कला से संबंधित इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। लोक कला में जीवित संस्कृति व सभ्यता किस तरह मुखरित होती आ रही है और एक निरंतरता जो आदिम युग से आज तक निम्न धारा के रूप में जनमानस में आलोड़ित होती रही है, उसका विवेचन प्रस्तुत है। प्रस्तुत चित्र में आदिम प्रवृत्तियों को देखते हुए पंचमढ़ी के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं और दूसरी तरफ हुई बनाने के दौरान हुई रूपाकृतियाँ, दोनों में अद्भुत समानता प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि सामने दिखने वाली हरेक वस्तु मनुष्य में अपना एक प्रभाव छोड़ती है और वह बिंब किस तरह सहज रूप से उसी रूपाकार में प्रस्तुत होता है, यह मूल प्रवृत्ति ही सृजन व रचनात्मकता की प्रेरक रही है। आदिम प्रवृत्तियों और लोक प्रवृत्तियों का यह तुलनात्मक अध्ययन इस बात को बतलाता है कि मानव सहज स्वाभाविक और मूलभूत आकृतियों को किस तरह ज्यामितीय रूप में प्रस्तुत करके अपने बिंब को परिपुष्ट करता है। प्रस्तुत कृति भील जाति द्वारा बनाई गई कृति है। रेखाओं की वही लयात्मकता, सहजता, आकारों का अमूर्तन, सरलीकरण इस कला को अपने प्रभाव में प्रभावशाली बनाता है। मांडना से संबंधित ये चित्र उस ऊर्जा को प्रस्तुत करते हैं जो ऊर्जा संस्कृति के कुछ नियामक तत्वों के द्वारा जुड़ी हुई है। इन मांडनों में वृक्षों व सतीय के आकार को किस तरह प्रस्तुत किया गया है, सूर्य को गोलाकार बनाकर उसमें से उसकी किरणों को बताते हुए आकारों को प्रस्तुत किया गया है, छोटी छोटी रेखाएं किस तरह पूरे परिदृश्य को टेक्सचर या पोत को प्रस्तुत करती हैं और उस गति को उस आवृत्ति के नियम को प्रस्तुत करती है जो आधुनिक कला व समकालीन कला में नियमों की नियामक तत्व बनकर प्रस्तुत होते रहे हैं। यह दूसरा चित्र बिंदु या डॉट्स के द्वारा बनाया गया है। आकृतियों को प्रभाविता देने के लिए दो मुख्य आकार प्रस्तुत किए गए हैं और साथ ही मनुष्य आकृतियां ज्यामितीय त्रिकोणात्मक रूप लेकर प्रस्तुत हुई हैं। पक्षी आकृति है, किंतु यह सभी एक ही गति में एक ही रूपाकार में बंधी प्रतीत होती हैं, अर्थात रूप योजना, रेखीय गति और अंतराल का विभाजन इस कृतियों में भी अनायास ही प्रस्तुत हुआ है। यह कृतियां संस्कारगत, अनुष्ठान परक, धार्मिक उद्देश्यों के लिए अवश्य ही बनाई जाती रहीं, किंतु कला के दृष्टिकोण से, कला के नियमों के दृष्टिकोण से इन कृतियों में उस नियमों के सौंदर्य को खोजा जा सकता है और यही इस श्रृंखला की प्रस्तुति का कारण है कि लोक कला में किस तरह कला के नियामक तत्व सिद्धांत प्रस्तुत होते रहे हैं, उन पर विवेचना की जानी चाहिए। प्रस्तुत चित्र मांडना शैली का है। इसमें भी मानवाकृतियाँ त्रिकोणात्मक बनाई गई हैं। किसी आकृति को एम्फेसिस या प्रभाविता प्रस्तुत करनी हो तो उसे किसी बड़े ज्यामितीय आकार में बांध देना इस चित्र की प्रमुख विशेषता है। यही विशेषता इन चित्रों को अलंकरण के साथ साथ एक ऐसे चित्रकृति के रूप में भी प्रस्तुत करती है जहाँ पर समतल धरातल पर सरलीकृत आकारों से इस तरह फैलाव किया जाए कि वह अलंकरण अपने अनुष्ठान परक उद्देश्य व प्रस्तुति के साथ ठोस हो। प्रस्तुत चित्र मांडना से ही संबंधित है जिसमें चित्र के चारों तरफ सतीय की आवृत्ति के द्वारा एक बेल बनाई गई है, अर्थात वह नियम जो आवृत्ति के नियमों को प्रस्तुत करता है, लय को प्रस्तुत करने का एक मूलभूत
कारण होता है कि आकृति को दोहराया जाए, जो कि आवृत्ति के नियम के अंतर्गत आता है। प्रस्तुत चित्र दशहरा पर्व पर बनाया जाने वाला चित्र है। दशहरा पर्व के अनुष्ठान के साथ ही, धार्मिक उद्देश्य के साथ ही, इस कृति में आकृतियों का फैलाव वृत्त, त्रिकोण, वर्ग आदि आकारों का समतल धरातल पर प्रवाही अंकन है, वह इस कृति को एक सूत्र में बांधता है। साथ ही इसके चारों तरफ बनाया गया बाउंड्री या बेल बूटे इसे बांधते हैं, अर्थात अनेक संभावनाओं, अनेक कहानियों को ये बेल बूटे या बाउंड्री किस तरह सीमित कर देती हैं, उस अंतराल को सीमित कर देती हैं जिस अंतराल में भावनाओं व धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े अनेक प्रतीक विचरण कर रहे होते हैं। प्रस्तुत मोटिफ या अभिप्राय बावड़ी से रिलेटेड है, जिसमें बावड़ी को किस तरह सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक अर्थ यहाँ पर यह भी परिपुष्ट होता है कि किसी भी आकृति को उसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करके लोक कलाकारों ने अपनी अभिव्यंजना की क्षमता का परिचय दिया है, जिसमें आकृति एक संकेत बन जाती है, न कि यथार्थवादी शैली में प्रस्तुत किया गया कोई चित्र। प्रस्तुत चित्र दिवाली के अवसर पर बनाया जाने वाला पगलिया है। इस आकृति में भी ज्यामितीय आकारों का जो पैटर्न है या अभिप्राय है, वह इस रूप में प्रस्तुत होता है कि यह चित्र भित्ति पर बनाया जाता है। भित्ति अपने आप में बहुत विशाल आकार होता है, किंतु इन आकारों का फैलाव इस तरह किया जाता है कि आकृति पास में जो भी स्पेस है या धरातल है, उसमें भी अपनी गतिपूर्ण रेखाओं की दिशा निर्धारित कर देती है और वह संपूर्ण धरातल एक गतिपूर्ण अंकन के द्वारा सुंदर व ओजस्वी रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। प्रस्तुत मांडना गलीचा पैटर्न का है। गलीचा पैटर्न इस रूप में प्रस्तुत हुआ है कि ज्यामितीय आकार, उनकी आवृत्ति के नियम इस गलीचा पैटर्न को सुंदर बनाते हैं। साथ ही एक बात और स्पष्ट करनी आवश्यक है, इन सभी आकारों में रेखाओं की जो गति है वह स्वाभाविक है। किसी इंस्ट्रूमेंट या ज्यामितीयता की कठोरपन इन आकृतियों में नहीं आ पाया है और यही इन आकृतियों की ऊर्जा है, जो किसी महत्वाकांक्षा और कलात्मक आदर्श के पीछे न जाकर मानवीय भावनाओं, ऊर्जा व संवेदनाओं के साथ सीधे जुड़ी है। प्रस्तुत चित्र बैलगाड़ी के पैटर्न का है, जो कि इस रूप में प्रस्तुत हुआ है कि ज्यामितीय योजना एक विहंगम दृष्टि के रूप में प्रस्तुत की गई है कि बैलगाड़ी के जो आकार है वह ऊपर से देखा जाए तो किस तरह अपने ज्यामितीय आकार बनाता है। आधुनिक कलाकार सेजा, पिकासो आदि इस ज्यामितीयता के साथ परिचित होते हुए इस रूप में कला की प्रस्तुति करने लगे थे कि मूलभूत आकार किस तरह कला की दुनिया में अपनी प्रभावी क्षमता को प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत चित्र मध्य प्रदेश की लोक कला से संबंधित है। नागपंचमी का चित्र है। इस चित्र को प्रस्तुत करने का उद्देश्य है इस चित्र की प्रवाही रेखाएं, वह प्रवाही रेखाएं जो एक सर्प आकृति को इस रूप में प्रस्तुत कर रही हैं कि वह चलायमान प्रस्तुत हो रहा है। कोई आकृति जल्दी से रेंगती हुई प्रस्तुत हो रही है। यह गतिमानता या मूवमेंट का जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य आज के कलाकारों के लिए साध्य बना हुआ है कि किस तरह समतल धरातल को मूवमेंट या लाइनों के विस्तार के साथ, आकार के विस्तार के साथ इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि धरातल मूवमेंट में प्रतीत हो या चेतनपूर्ण लगे। यह अभिप्राय पशु पक्षियों से संबंधित हैं। ज्यामितीयता का अनुपम उदाहरण है मोर,
दो पक्षी व श्रवण का यह चित्र आकार में ज्यामितीयता लिए हुए एक प्रतीक के रूप में, संकेत के रूप में प्रस्तुत होता रहा है। जनजातीय कला की बात करें तो ट्राइबल आर्ट में सबसे अधिक सुंदर व प्रभावशाली नाम सामने आता है वर्ली का, जहाँ पर यह जनजातीय कला का प्रादुर्भाव हुआ। यह जनजातीय कला अपनी कला की प्रस्तुति विवाह उत्सव के दौरान बनाए जाने वाले भित्ति चित्रों के माध्यम से करती रही है। यह एक अनुष्ठान है, यह एक आमंत्रण है उनके देवी देवताओं का, जो आमंत्रण विवाह के दौरान अपनी मांगलिक व शुभ आकांक्षाओं के साथ में मंडित किए जाते हैं। इन आकारों में उन अनुष्ठानों, उन धार्मिक व उत्सव के माहौल को प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ यह संपूर्ण जनजाति व महिलाएं उसको प्रस्तुति देती हैं। सभी महिलाएं जो कि सवासिनी या सुहागिन हैं, वही इनको चित्रित करती हैं। इसका उद्देश्य यह है कि विवाह उत्सव पर देवी का आह्वान किया जाता है। अंतराल के पश्चात वर्ली कला की रेखीय गति, अंतराल विभाजन व व्यवस्था को समझने के लिए उसकी विवेचना प्रस्तुत की जाएगी। अंतराल के पश्चात आपका पुनः स्वागत है। वर्ली से संबंधित चित्राकृतियों की विवेचना से पूर्व मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त पात्रों के यह चित्रण उस प्रवृत्ति को बता रहे हैं, जहां अलंकरण व सामने दृश्य रूप को किस तरह बिंबों के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ऐसी इमेजेस प्रस्तुत की जाने लगी जो किसी उद्देश्य से प्रेरित नहीं थी, बल्कि सहज स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत हो रही थी। साथ ही दूसरे भाग में यह ज्यामितीय पैटर्न या रेखाओं का दोहराव इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें संवेदना भी जुड़ी हैं, तो कहीं कला व लय के नियम भी। प्रस्तुत चित्र वर्ली का है, जिसमें विवाह उत्सव का चित्र है। मध्य में पालघट या मैरिज गॉडेस, विवाह की देवी को बनाया जाता था। चारों तरफ लैंडस्केप के रूप में पेड़ों को अंकित किया जाता था। इसी के पास दूसरा चौक बनाया गया है, जिसमें इस देवी का संरक्षक देवता बनाया जाता था। इन देवी देवताओं को बनाने का उद्देश्य विवाह उत्सव व विवाह की मंगल कामना से रहता था। यह चौक बनाने की प्रोसेस को दर्शाता है, जिसमें पहले उस कुल देवी या विवाह की देवी को इस चौक के अंदर स्थापित किया जाता था, जिसका स्थापना एक सुहागिन करती थी। यह रेखाएं किस तरह आपस में गुथी होकर प्रभावी व इस धरातल को बांधने का काम करती हैं, जो धरातल भित्ति के रूप में वहां प्रस्तुत हो रहा है। ज्यामितीय पैटर्न से भरकर इस पूरे चौक को अलंकृत किया जाता था। अलंकरण के साथ ही यह एक ऐसा टेक्सचर का भी काम कर रहा होता था, जिसमें बीच में देवी को बनाकर उसको प्रभाविता या डोमिनेंस दी जा सकती थी। पशु आकृतियाँ दो त्रिभुजों को जोड़कर बनाई जाती रहीं। प्रस्तुत चित्र में यह आकृतियाँ जो बाहर की तरफ रेखाएँ पूरी दिशा में फैली हैं, यह इसका प्रतीक है कि सारी ऊर्जा शक्ति इस चौकोर भाग में संकेंद्रित हो जा रही है। पशु के ऊपर जो आकृति दिखाई दे रही है, यह पांच सर का देवता पंक्सिरिया के नाम से जाना जाता है, जिसका स्थापना विवाह के साथ जुड़ी है। यह पंक्सिरिया इस चित्र में सांप के जैसे पांच सिर वाला बनाया गया है, और चौक का जो आकार है उसमें अर्धवृत्त भी बनाए गए हैं। इन आकृतियों की रेखाओं में इस तरह की संवेदना प्रस्तुत होती है, जो कि लयात्मक है। सींक के द्वारा बनाए जाने के कारण
इनमें कहीं कोणीयता भी आती है और ऐसा लगता है कि यह आकृतियां, यह रेखीय गतियां उस मिट्टी के धरातल पर उकेरती हुई गति को दिशा निर्देशित कर रही हैं, जिस गति को, जिस ऊर्जा को, जिस चेतना को वह उस धरातल पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। यह प्रस्तुत चित्र उस देवी का है जिसको प्रतीक रूप में बनाया जाता है। यह प्रतीक रूप में दो पशु आकृतियां जिन पर पंखसरिया या दो देवताओं को आसित बताया जाता है, प्रस्तुत चित्र उस लयात्मक रेखाओं व एक नए रूपाकार की प्रस्तुति है जो रूपाकार हम उन रेखीय गतियों से पाते हैं जिन रेखीय गतियों से उन देवी व देवताओं को बनाया जाता है। यह चित्र भी उसी प्रक्रिया का आगे का भाग है जिसमें पशु आकृति को बनाया जाता है। यहाँ नीचे वाली पशु आकृति में एक अन्य बात सामने आती है जिसमें उसके पैर मुड़े हुए हैं, अर्थात इनको चलता हुआ नहीं बल्कि उड़ता हुआ बनाया जाता है। यही मूवमेंट या उड़ने की प्रक्रिया किस रूप में समझी जा सकती है कि यह आकृतियों में जो त्रिभुजाकार या कोणीय लाइन्स का जो रिदम है वह किस रूप में प्रस्तुत हो रहा है कि एक भाग में त्रिभुजाकार रेखाएं नीचे आती हुई तो दूसरे भाग में ऊपर जाती हुई, अर्थात वह रिदम, वह फहरान या वह ऊर्जा जो कि गतिपूर्ण है उसकी प्रस्तुति इन रेखाओं के माध्यम से इस कला में बहुत सुंदर तरीके से हुई है। सुंदर होना धरातल पर अलंकरण के रूप में प्रस्तुति या प्रभावशाली होना सिर्फ ही एक ही कारण नहीं है बल्कि कला के कुछ नियमों का भी इनमें अंकन देखा जा सकता है जो कि एक कला के विद्यार्थी को सीखना होता है। प्रस्तुत चित्र में वह काला आकार हटाकर इस सफ़ेद आकार में उस आकृति का प्रभाव देखा जा सकता है कि वह आकृति अपने आप में पूर्ण होती किंतु यदि इसके पीछे यह रिदमिक लाइंस नहीं बनाई जाएं तो वह आकृति भी गतिपूर्ण नहीं लगती। प्रस्तुत चित्र वही चित्र का पूर्ण रूप है जिसमें साथ में छोटे छोटे बिंदुओं से वृक्षों की आकृतियों को बनाया गया है। यह वृक्ष की आकृतियां व पंक्तिबद्ध कतारें मानवाकृतियों के साथ में इस बड़े पशु आकृति व चौक का निरूपण इस कला की प्रमुख विशेषता है। यह भी मैरिज गॉडेस या विवाह की देवी का चित्र है जिसको पालघट के नाम से बनाया जाता रहा है। यह रिदमिक लाइंस उस गति व उस सौंदर्य या उस गीत की भांति हैं जो किसी भी मंगल उत्सव या कार्य के दौरान गुनगुनाते हुए अपने आप ही सहज रूप से आनंद के रूप में अभिव्यक्त होता है। प्रस्तुत चित्र फड चित्रकला का उदाहरण है। इस कला में भी आकृतियों का दोहराव व मानवाकृतियों को बनाने की विशिष्ट शैली इस सुंदर रूप से सामने आई है कि उसमें भरे चमकीले चटक रंग सपाट रंग योजना के साथ उस व्याख्यान की प्रस्तुति देते हैं जो व्याख्यान इस फड़ से जुड़ा है। प्रस्तुत फड़ देवनारायण की फड़ है। इसमें देवनारायण के साथ सर्प की स्थिति यह बताती है कि इस आकार को बड़ा बनाकर अन्य आकृतियों को छोटा बनाकर इसको महत्ता प्रदान की गई है। आकृतियों का प्रमुख चरित्र, कथाओं का प्रमुख चरित्र इस रूप में प्रस्तुत किया जाता था कि वह सबसे पहले कलाकार व दर्शकों के मध्य प्रस्तुति दे सके। उसके साथ ही कुछ अन्य आकार उससे छोटे आकारों में बनाए जाते थे और अन्य आकार एक अलंकरण, आवृत्ति, कथा की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते रहे थे। प्रस्तुत फड़ बाबूजी की फड़ का उदाहरण है जिसमें आकृति का सपाटपन, सरलीकरण, अभिव्यक्ति का ठेठपन इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि वह प्रभावशाली होता है। एक अन्य प्रश्न यह उठता है कि लोक कला में जब इन सभी नियमों का पालन हो रहा था तो यह उच्च कला के रूप में या परिमार्जित कला के रूप में क्यों नहीं
अपनाई जाती या इसको क्यों नहीं उतना महत्व दिया जाता? इसका कारण यह है कि यह संस्कृति से जुड़े, रहन सहन के तरीके से जुड़े व हमारे उत्सव पर्वों के दौरान जुड़े, सीधे जीवन से जुड़े कुछ उद्देश्य को पूरा करती हैं, जबकि कला, समकालीन कला, आधुनिक कला उन उद्देश्यों को पूरा करती है जो एक कलाकार अपने चित्र संयोजनों में प्रस्तुत करता है, भावनाओं को प्रस्तुत करता है, सौंदर्य के नियमों की खोज करता है, उस धरातल पर इस तरह के प्रयोग करता है कि वह धरातल अनेक अर्थों को प्रस्तुत करता है, अनेक संभावनाओं को प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत चित्र उस समतल धरातल की ही प्रस्तुति है, जबकि आधुनिक चित्रकार इस धरातल पर गति, एक विहंगम दृष्टि, मानसिक परिप्रेक्ष्य व सामने का परिप्रेक्ष्य, इन सबकी कसौटी से उस चित्र को सृजित करता है जिसमें कला के, सौंदर्य के व अनुभूतियों के उद्देश्य जुड़े होते हैं। प्रस्तुत चित्र मधुबनी शैली का है। मिथिला प्रांत की यह कला अपने सहज रूप व रेखीय गति के कारण अपना विशिष्ट महत्व रखती है। कथाओं, आख्यानों को न देखते हुए यदि आकारों के सरलीकरण व रंगों के फैलाव को देखा जाए तो इन कलाओं में रेखीय गति के साथ ही रंगों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह इस तरह से किया गया है कि संपूर्ण चित्र एक प्रतीत होता है। फूलों का इस तरह से अंकन जिस तरह इस चित्र में दिखाया गया है, अलंकरण तो है ही, साथ ही फूलों का अनुअंकन या रेंडरिंग के रूप में भी एक नए अभिप्रायों को प्रस्तुत करता है। गाय को अलंकृत करते हुए इस तरह से सरलीकृत रूप में बनाया गया है कि उस गाय की अनुभूति की रिदम कहीं भी कम प्रतीत नहीं होती है, बल्कि यह एक सुंदर वात्सल्यपूर्ण आकृति के रूप में प्रस्तुत होती है। प्रस्तुत चित्र भी मिथिला प्रांत की कला का है। यह चित्र राम सीता का है। इस चित्र में राम और सीता की आकृति को प्रभाविता प्रदान करने के लिए पीछे सर्पिलाकार आकार बनाए गए हैं, जिन आकारों में अलग अलग रंग व डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उन छोटे आकारों का जो एक रिदम भी बना रहे हैं और साथ ही इनको प्रभाविता भी प्रदान कर रहे हैं। राम के शरीर का रंग, सीता के शरीर का रंग, उनके बैठने की मुद्रा, सरलीकृत रूप, उनके चुन्नी या दुपट्टे का सपाट रंग इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि वह आकृति अपने आप में अधिक प्रभावशाली होकर सबसे पहले दृष्टिगोचर होती है। अन्य आकारों में, क्योंकि वह सप्लीमेंट्री या सहायक आकार हैं, उनको प्रभाविता कम दी गई है। लयात्मक रेखाओं के साथ आकृति में भराव इस बात को दर्शाता है कि वह उन रेखाओं, उन आकारों के प्रति भी सजग हैं जो अपने प्रभाव में इस के प्रयोग के कारण और अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। प्रस्तुत चित्र भी मिथिला प्रांत का है, जो वहाँ की हरिजन कलाकारों द्वारा बनाया गया है। यह नर्तक उस उल्लास व उमंग का प्रदर्शन करते हैं जो बाल चित्रकला में भी देखा जा सकता है। सपाट रंग, आकृतियों का गतिपूर्ण अंकन व सरलीकृत रूप इस रूप को प्रभावशाली बनाते हैं। प्रस्तुत चित्र कृष्ण और राधा का है। अनायास ही यह मानव शरीर लंबाई में बनाए गए हैं जो अभिव्यंजना शैली के साथ में इस चित्र को जोड़ते हैं। यह लंबी आकृतियां व उनके चुन्नी के अंदर अलंकरण करके इन्हें प्रभाविता दी गई है, अन्यथा पीछे छोटे छोटे फूल इन आकृतियों को शायद उतनी प्रभाविता नहीं दे पाते जो इस दुपट्टे के सरलीकृत रूप और अलंकरण ने इस चित्र में दी है। मिथिला कला में भी एक कोहबर नामक कमरा होता है जिसमें कुल देवता को स्थापित किया जाता है। नैना योगिन नामक चित्र बनाए जाते हैं जो विवाह उत्सव से संबंधित हैं। सामा चकवा नाम का एक
पर्व आता है जिसमें भाइयों के लिए बहनें मंगल कामना करती हैं, इससे संबंधित कुछ चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों में आकृतियों का सरलीकरण व आकृतियों में डबल लाइन करके उसमें भराव किया जाता है, जो कि इस चित्र को और भी अधिक सुंदर बनाते हैं। यह चित्र शैली उन प्रयोगों से भी जुड़ी है जो तांत्रिक अभिप्रायों की अभिव्यक्ति भी देते हैं। इस तरह यह चित्र शैली तांत्रिक अभिप्रायों को भी बताती है। यह चित्र उन्हीं तांत्रिक अभिप्रायों को दर्शाता हुआ है। इसके साथ ही अनेक चित्र जो कि तांत्रिक प्रभावों को दर्शाते हुए उनके विश्वासों और आस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं उस सरलीकृत रूप में जिसमें वह शैली अपनी परिमार्जित स्वरूप और अजस्त्र धारा को प्रदर्शित करती रही है। यह चित्र कृष्ण का है जिसमें वह कालिया मर्दन के लिए खड़े हैं। उस पर कालिया पर ही स्वयं खड़े होकर उसका मर्दन इस तरह से इस चित्र में प्रस्तुत किया गया है कि यह सर्प और कृष्ण की आकृति मुख्य आकृति बन गई है। प्रस्तुत चित्र उन्हीं तांत्रिक अभिप्रायों से कहीं ना कहीं प्रेरित दिखता है जो उस संस्कृति के उन विश्वासों की अजस्त्र धारा है जिसमें यह फूल उन्हीं फूलों की याद दिलाते हैं जो कमल के दल तांत्रिक अभिप्रायों में उपयोग में आते रहे हैं, अर्थात छिपे हुए रूप में अप्रत्यक्ष रूप में उन तांत्रिक अभिप्रायों को यह शैली इस तरह प्रस्तुत करती है कि यह शैली भावनाओं व एक आध्यात्मिक ऊर्जा को भी प्रदर्शित करने लगती है जो कि किसी भी कला का किसी भी मानव संस्कृति का उद्देश्य होती है। आनंद और चेतनता की ओर इंद्रियों से परे उस संसार की ओर जहाँ पर कला उस चेतन तत्व से जुड़ जाती है और कला अपने स्वरूप को या अपने उद्देश्यों को पूरा करती है।